ले आया है और नॉट यहाँ पे आपकी जो डिमांड थी सबसे इम्पोर्टेंट रिसीविंग स्टेशन की, तो वो मैं कमिट कर रही हूँ कि एक हफ्ते के अंदर आपको वो रिसीविंग स्टेशन जो है वो हम देंगे। दूसरी भी आपकी जो डिमांड थी कि यहाँ पर हॉस्पिटल में एक्सरे यूनिट होना चाहिए, वो भी हम आपकी डिमांड जो है उसको कहीं ना कहीं से किसी भी फंड से हम आपको देंगे। कहीं पर भी अगर कोई ड्रग एडिक्शन में पाया गया है या बच्चा उसमें इन्वॉल्व है, उसको जो है आइडेंटिफाई करना है, उसको नेम एंड शेम नहीं करना, लेकिन उसको थ्रू सरपंच हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए ताकि हम उसको हेल्प कर सकें। हमारी हेल्पलाइंस जो है वो मौजूद हैं, उसके नंबर्स फ्लैश किए जाएंगे, हमारे ट्विटर हैंडल्स पे भी उसके नंबर्स हैं, हमारे वेबसाइट पे भी उसके नंबर्स होंगे, और उसमें अगर किसी को भी हेल्प चाहिए वो उस पर आ सकता है। अगर कोई बच्चा इसमें इन्वॉल्व है, किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत है, मेडिकेशन की ज़रूरत है, हमारे GMC बारामूला में काउंसलिंग सुबह 10 से 4 तक उनकी होती है। हमारे 3 BMO ऑफिसेज में जो है काउंसलर्स हैं जिनकी काउंसलिंग वो करते हैं बच्चों की और मेडिकेशन देते हैं। मोस्टली इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की हम अवॉइड करते हैं, घर में बैठे बैठे आप मेडिसिन ले सकते हैं। यहाँ पे हमने उठाया है, लेकिन ये हर विलेज में हमने करना है, हर गांव में। वालिद को एक बाप को अपना कर सही करना है, तब जाके वो रंग लाएंगी और हम नशा मुक्त बन सकते हैं। इसमें पंचायतों को का खास रोल है, पंचायतों को, हर पंचायत में हर सरपंच को एक ग्राम सभा बुलानी है। और वहाँ का मतलब यह है कि लोगों के और सरकार के बीच में अगर कहीं जैसे हमारी पूरी सोसाइटी खत्म, बाकी आपके जितने भी इश्यूज थे वो हमने नोट डाउन भी कर लिए हैं। हम पर्टिकुलर हर डिपार्टमेंट को इसमें फॉलो अप कर रहे हैं, एक एक डिपार्टमेंट को मैं खुद अपने ऑफिस में बुला के उनसे रिव्यू ले रही हूँ। हर एक का जो इक्वली हमने किए हैं डिफरेंशिएट ये, और आज ब्लॉक दिवस बुमाई में हमने मनाया, जिसमें हमने सारे जो PRIs थे, BDCs, DDCs, उनको भी बुलाया, और साथ में जो यहाँ के आम आवाम थी उनसे भी सुना कि क्या क्या उनको इश्यूज़ हैं, और साथ में हमारे ऑफिसर्स भी प्रेजेंट थे जिन्होंने उनका मौके पे ही काफ़ी चीज़ों का अजाला किया, और बहुत सारे इश्यूज़ जो हमने नोट डाउन भी किए हैं जो हमें सरकार को भेज रहे हैं या जिनका फॉलो अप करना है वो भी हुआ। इसके साथ साथ नशा मुक्त भारत अभियान जो है जो हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया हुआ है, और सफाई अभियान जिसमें हमने हर विलेज को जो है वो साफ करना है, और आइडेंटिफाइड ऐसे सफाई कर्मचारी करने हैं जिनसे जो इस गार्बेज को कलेक्ट कर सकें और सेग्रीगेशन पॉइंट्स पे ले सकें, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी। इसके अलावा बहुत सारी सरकार की स्कीम्स, मैरिज असिस्टेंस स्कीम और बाकी ऐसी स्कीम्स जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी के साथ कॉन्टैक्ट होता है, उनको बताया कि किस तरीके से ये फॉर्म्स जो है रिजेक्ट होते हैं, उनमें किस तरह से उनको फॉर्म्स प्रॉपरली फिल करने चाहिए, तो और उसके साथ साथ जो जो उनके इशूज़ थे उन पर भी हमने उनके बारे में बात की।